News 18, India. और आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र 1 मार्च तक चलने वाला है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर का आज सुबह 11:30 बजे का वो वक्त होगा जब संयुक्त सदन में अभिभाषण होगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन में पहले ही दिन पेश की जाएगी। 12 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि बिहार सरकार का बजट 12 फरवरी को विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा और 12 फरवरी को ही नीतीश सरकार को अपना बहुमत भी साबित कर देना है। वहीं बिहार में 12 फरवरी को नीतीश को बहुमत साबित करना है और उससे पहले जेडीयू ने अपनी सभी विधायकों को एकजुट करने की कवायद भी शुरू कर दी है। जेडीयू ने अचानक से अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है, जिसके बाद राजनीति करना कही। जेडीयू के ज्यादातर विधायक पटना पहुंच गए हैं और आज दोपहर मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर सभी विधायकों को भोज पर आमंत्रित किया गया है। तो वहीं 11 फरवरी को शाम 5 बजे मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक भी होगी। इस बैठक के जरिए विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच वाल्मीकि नगर से जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने विधायकों के टूटने के दावों को भी नकार दिया है। अब ये बात जो आप कह रहे हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विधायक उनके संपर्क में है। हाँ, चूंकि हम लोग साथ बैठते थे तो बातचीत हो सकती है और बातचीत होने का ही नतीजा है कि आप देख रहे होंगे कि आज एक चैनल पे हमने देखा है जिसपे माननीय मंत्री श्री सरवन सर ने बोला है कि बहुत से विधायकों के पास कुछ कुछ ऑफर जा रहा है और वो हमें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन विधायकों की जदयू के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक कटु आस्था है। इस आस्था की वजह से उनके पास अगर कोई भी ऑफर जा रहा है या किसी तरह का कोई बात हो रहा है, वो तुरंत अपने सचेतक से अथवा जो भी उनके कंसर्न गार्जियन है उनसे वो बातों को बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इसमें कोई खेला होना है या कहीं से कोई टूट की संभावना है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा कर दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि 12 फरवरी को एनडीए के कई विधायक अंतरात्मा से वोट करने वाले हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे आरजेडी प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उनकी तरफ से एक बार फिर से कहा गया कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये भी दावा किया कि 12 फरवरी को एनडीए के कई विधायक अंतरात्मा से वोट डालेंगे। सत्ताधारी दल के जेडीयू और बीजेपी के अपने अंतरात्मा से 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या करेंगे ये देखना होगा, लेकिन सब कुछ गड़बड़ है ये दिख रहा है। तो जो भी होगा 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पता चल जाएगा, ये सरकार रहेगी या जाएगी ये अभी श्योर तो नहीं दिख रहा। हमारे तेजस्वी यादव जी के शासनकाल के जो डिप्टी सीएम रहते हुए सरकार में रहते हुए 17 महीने का काम है, जो लंबी लकीर खींची काम का, वो एनडीए के 17 वर्षों के काम पर भारी है। कांग्रेस के विजय शंकर ने दावा किया कि 12 फरवरी को कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये दावा किया कि सरकार स्पीकर के लिए लाने वाले अविश्वास प्रस्ताव में गिर जाएगी। विजय शंकर ने कई विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने का दावा किया है। कांग्रेस बिल्कुल यूनाइटेडली अपने घटक दल आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, माले के साथ है और पूरी तैयारी के साथ सरकार के जो विश्वास मत सदन में आया है उसको परास्त करने की हमारी कोशिश होगी। परिणाम कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस नहीं टूटेगी। तो उधर जेडीयू ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। जेडीयू नेता नीरज सिंह ने कह दिया है कि 12 तारीख को विश्वास मत वाले दिन खेला नहीं बल्कि मेला लगेगा। फ्लोर टेस्ट के दिन उसी ड्रेस में, वेशभूषा में, चुट्टा कमंडल त्रिशूल देकर के आप विधानसभा भेजिए, मंदिर मंदिर घुमा रहे हैं, तो बिहार के लोग को भी
एहसास हो जाए कि आप कहां कहां टूरिज्म करा रहे हैं, पॉलिटिकल टूरिस्ट बना दिया है। फ्लोर टेस्ट में खेला नहीं, मेला लगेगा। और महागठबंधन के घटक दल जो माननीय नीतीश कुमार जी के कसीदे पढ़ते थे, अंतर मन की आवाज पर हमारे साथ खड़े रहे। नीतीश को 12 फरवरी को बहुमत साबित करना है। इसी सियासी गहमा गहमी के बीच सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। तेजस्वी यादव ने खेला होने का दावा कर दिया है, 12 फरवरी को खेला होने का तेजस्वी ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा है। इस बीच जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। 11 फरवरी को जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। 12 फरवरी को नीतीश को बहुमत साबित करना है। और एक और बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े भारत रत्न सम्मान को लेकर सियासत अब बहुत तेज हो गई है। आपको बताते चले कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दे दी थी कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर कर दी थी। हालांकि पीएम मोदी के ट्वीट के बाद ही सियासत भी जबरदस्त अब तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं ने सरकार के इस फैसले का दिल से स्वागत किया, तो वहीं विपक्ष ने इसे वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित बता दिया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की सरकार से मांग की है। राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार को बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की उदारता दिखानी चाहिए। तो कल पीएम मोदी ने तीन और लोगों को भारत रत्न का ऐलान किया। ऐसे में राज ठाकरे ने कहा है कि अब बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न मिलना चाहिए और पीएम मोदी को बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की उदारता दिखानी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट शेयर किया। ने ट्वीट कर सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, एम एस स्वामीनाथन जी और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना देश और समाज के विकास में उनके योगदान को अमर कर देता है। तीनों ही महान शख्सियतों को सादर नमन। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। भारत रत्न सम्मान को लेकर जहां कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, तो वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठा रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की भेदभाव वाली राजनीति बता रही है। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले की बात कह रही है। ये कहूंगी कि तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। ही का मिलना आई थिंक हम वेलकम करते हैं, बट ये उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र से भी एक भारत रत्न जो हमारी मांग रही है उसको पूरा किया जाएगा। ये तो आप ले सकते हो, लेकिन तथ्यों की बात कांग्रेस को करनी चाहिए। जी का स्लोगन बड़ा साफ है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो भी हमारी प्रतिभाएं नहीं है, जिनने इस देश के निर्माण में योगदान किया है, कांग्रेस ने भले उस आधार पर कभी भेदभाव किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में, जो काम उनने किया है, मुझे लगता है देश का हर वर्ग सराहेगा। चाहे वो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे आदरणीय आडवाणी जी का नाम हो, चाहे वो चरण सिंह जी, आदरणीय चरण सिंह जी का नाम हो, चाहे आदरणीय नरसिम्हा राव जी का हो। और मुझे गर्व है कि कर्पूरी जी के अलावा बाकी जो नाम मैं ले रहा हूँ, मुझे कम से कम उनकी सानिध्य में राजनीति करने का मौका मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने भारत रत्न सम्मान को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी अब भारत रत्न पे भी राजनीति कर रही है। आप अगर बिहार से देखें तो कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न दिया, लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएंगे। आडवाणी जी के साथ किस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का।